हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ। तो यहाँ मैं ली हूँ 1 केजी तक मैदा और 1/2 केजी तक सूजी ली हूँ। मेरा कम से कम 2 केजी के लगभग में ठेकुआ तैयार होगा। तो बहुत सारा ठेकुआ बना रही हूँ मैं, और यहाँ गैस पे चढ़ाई हूँ मैं 1 कटोरी के लगभग में दूध, और दूध में डालूंगी मैं 4 कटोरी के लगभग में चीनी, यानी 1 केजी के लगभग में मैं यहाँ चीनी डाली हूँ। और चीनी को मुझे ज़्यादा मैं पिघलाना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करना है कि इसमें दूध और चीनी एक दूसरे में मिल जाए अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं गलाना है चीनी को। तो इस तरह से चीनी और दूध का घोल हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से घोल तैयार कर लेना है चीनी और दूध का। और अब हम डालेंगे इसमें सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ मैं 7-8 इलायची को कूट ली हूँ और इलायची पाउडर में डाल दी यहाँ पे। और ये जो बादाम है इसको भी मैं कूट के ही डालूँगी, तो इस तरह से कूट के इसमें डाल दी हूँ। और यहाँ मैं इसमें मयन के लिए 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन ऑयल डाली हूँ, तो 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इसे डाल के इसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिलाना है। मेन है इसमें मिलाना मयन को अच्छी तरह से कम 10 मिनट तक इसे मिलाते रहना है। तो मयन सही पड़ा है कि नहीं इसे चेक करने के लिए आटे को इस तरह से देखना होता है। अगर आटा इस तरह से पूरा जम जाए तो समझिए कि हमारा मयन बहुत ही अच्छा बना है। और इसमें अब ये जो मैं घोल बनाई थी चीनी और दूध का, इसे डाल के भी अच्छी तरह से इसे मिलाना है। और थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही डालना है, एक ही बार सारा नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा, फिर खस्ता हमारा ठेकुआ हमारा सही नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल के ही इसे मिलाते रहना है, अच्छी तरह से गूंद लेना है। और चीनी और दूध का घोलना थोड़ा सा कम पड़ गया था तो लास्ट में मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिलाई थी। और इस तरह से हमें आटे को बना लेना है और इस तरह से पेड़ा बनाना है। देखिए इस तरह से पेड़ा बनाना है। आप कोई भी आकार में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, मैं लंबे आकार में बनाई हूँ। और इस तरह मैं सारा पेड़ा बना चुकी हूँ और अब बनाऊँगी मैं ठेकुआ। तो इस तरह हाथ हथेली से पेड़े को दाबना है और बेलन से हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो फट जाएगा। और इसको कांटे चम्मच से मैं ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दूंगी। वैसे ठेकुआ बनाने वाला एक मिलता है जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैं कांटे चम्मच से इस तरह से डिज़ाइन डाल दूंगी इसमें। तो इस प्रकार मैं सारा ठेकुआ बना लूँगी और इस तरह से बना लेना है। और अब मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ली हूँ 1/2 लीटर के लगभग में रिफाइंड तेल। और रिफाइंड तेल जब पूरा गर्म हो जाएगा हमारा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे ठेकुआ। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगा क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाने से ना सारा ठेकुआ टूट जाएगा, तो फ्लेम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। तो पलटना भी है बिल्कुल सावधानी से, थोड़ा सा भी जल्दीबाजी में हम पलटेंगे ना तो सारा ठेकुआ हमारा टूट जाएगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे इसको पलटना है और फ्लेम मीडियम ही रहेगा। लास्ट में आप चाहें तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो सारा ठेकुआ हाई फ्लेम में टूट जाता है। और इस तरह लाइट ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे, और जब दोनों तरफ लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम ठेकुए को निकाल लेंगे। और ये हमारा ठेकुआ तैयार हो चुका है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।